अब देखो लेक्सिकल का मतलब होता है वर्ब्स विद सम मीनिंग। जैसे हम कोई वर्ब लिखते हैं तो वर्ब का कोई ना कोई मीनिंग होता है। वर्ब्स हैव गॉट सम मीनिंग, वर्ब्स के कोई ना कोई मीनिंग होते हैं। बट देयर आर सर्टेन वर्ब्स इन इंग्लिश विच आर यूज फॉर द सेक ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स की वजह से उनका यूज किया जाता है सेंटेंस में, अदरवाइज दे डो नॉट फुलफिल एनी मीनिंग, वो कोई मीनिंग वहां पे फुलफिल नहीं करते। तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं डीलैक्सिकल। लेक्सिकल का मतलब विद मीनिंग, डिलैक्सिकल का मतलब विदाउट मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जैसे हम जब वर्ब्स पढ़ते हैं, आप लोग जब वर्ब्स पढ़ते होंगे, ठीक है, तो वहां पर हम ऐसा पढ़ते हैं कि एक तो हो गई ऑक्सिलरीज और एक हो गई लेक्सिकल वर्ब्स। वर्ब्स विद मीनिंग्स, वर्ब्स विद मीनिंग, ठीक है। डिलेक्सिकल वर्ब्स का मतलब क्या हो गया, एंटोनिम बन गया। वर्ब्स विदाउट मीनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जैसे लेक्सिकल वर्ब्स हैं और डिलेक्सिकल वर्ब्स हैं, तो डिलेक्सिकल तो डी प्रेफिक्स ऐड के बनाया करके बनाया गया वर्ड है। ओरिजिनल वर्ड लेक्सिकल है, डिलेक्सिकल उसको बनाया गया वर्ड है, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि लेक्सिकल और डिलेक्सिकल में क्या डिफरेंस है। तो लेक्सिकल वर्ब्स हो गए वो वर्ब्स विच हैव सम मीनिंग, वर्ब्स विद मीनिंग, ठीक है, वर्ब्स विद मीनिंग, ठीक है। डिलेक्सिकल वर्ब्स हो गए वर्ब्स विदाउट मीनिंग, ऐसे वर्ब्स जिनका कोई मीनिंग नहीं है। इनको इंग्लिश में एक और टर्म से भी रेफर किया जाता है, इनको कहा जाता है एम्प्टी वर्ब्स। एम्प्टी वर्ब्स ये ऐसी वर्ब्स जिनका कोई मीनिंग नहीं है, एम्प्टी है, मीनिंगलेस वर्ब्स हैं, ठीक है, तो उनको हम डिलेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं। एग्जांपल में जैसे हम समझ लेते हैं, हमने एक सेंटेंस लिखा, The man had lunch with us. The man had lunch for us. ठीक है, द मैन हैड अ ड्रीम अबाउट अस। तो ये जो तीन सेंटेंसेस हैं, इन तीनों सेंटेंसेस में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हैड वर्ब है, ये हैड वर्ब है और ये हैड वर्ब है। ये हैड तीनों सेंटेंसेस में वर्ब है, ठीक है, ये हैड जो है वो तीनों सेंटेंसेस में क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब हमें इसके मीनिंग समझने कि ये वर्ब सेंटेंस में कर क्या रही है, ठीक। तो ये जो वर्ब है यहाँ पर, ठीक है, ये जो वर्ब है यहाँ पर, ये कंजम्पशन के मीनिंग को कन्वे कर रही है, कंजम्पशन, ठीक है। ये जो वर्ब है यहां पर, ये पजेशन के मीनिंग को कन्वे कर रही है। द मैन हैड लंच विद अस, मैन ने हमारे साथ लंच किया, किया का मतलब उसने खाया, कंज्यूम किया किसी चीज को। द मैन हैड लंच फॉर अस, मैन के पास हमारे लिए लंच था। ये पजेशन की वर्ब हो गई, ये स्टेटिव वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, ठीक है। यहां पर जो हमने लिखी है हैड, ये एक्शन है, ठीक है। यहां पे जो लिखी है वो स्टेटिव है, ठीक। अब इस पे आ जाते हैं, ये जो लिखी गई वर्ब है द मैन हैड अ ड्रीम अबाउट अस,
तो ये क्या है, अब आप समझ के देखो ये क्या है, ना ये कोई स्टेट है, द मैन हैड अ ड्रीम अबाउट अस, ठीक है, ना ये कोई पजेशन है, ना ये कंजम्पशन है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस वर्ब का एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है, जो भी मीनिंग कन्वे कर रहा है ना वो ये ड्रीम नाउन कन्वे कर रहा है। अब ड्रीम ध्यान से आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो जब हम ये कहते हैं, ठीक है, कि द मैन हैड अ ड्रीम अबाउट अस, तो यहां पे हैड का एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है, जो भी मीनिंग है वो ड्रीम का ही है, कि मैन ने हमारे बारे में एक सपना देखा। तो सपना देखना तो हैड का मीनिंग नहीं होता, वो तो ड्रीम वर्ब खुद ही कन्वे कर सकती है मीनिंग, लेकिन हमने ड्रीम को यहां पे एज अ नाउन यूज कर लिया। तो ये जो वर्ब हमने लिखी ना हैड, ये एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं कन्वे कर रही है, और ये एक एम्प्टी वर्ब है, ये एक एम्प्टी वर्ब है, एम्प्टी का मतलब डिलैक्सिकल, इट इज कन्वेइंग नो मीनिंग, ये यहां पर कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रही है जिससे हम कोई सिचुएशन को समझें, तो ये होती है डिलैक्सिकल वर्ब। तो वर्ब एक ही है और हमने तीन सेंटेंस में उसको लिखा, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो यहां पर हमने इस वर्ब को लिखा है और यहां पर लिखा है, ठीक है, और यहां पर लिखा है, तो ये तीन सिचुएशंस अलग अलग है, ठीक है। ये कंजम्पशन के लिए एक्शन वर्ब है, ये पजेशन के लिए स्टेटिव वर्ब है, और ये ना पजेशन है, ना ये कंजम्पशन है, ना ये एक्शन है, ना ये स्टेट है, ये कुछ है ही नहीं। तो ऐसी वर्ब्स जो है तो वर्ब, बट वो मीनिंग कोई कन्वे नहीं कर रहे, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग उसका नहीं है, तो वो होते हैं डिलैक्सिकल वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं डिलैक्सिकल वर्ब्स, ठीक है। कॉमनली इस तरीके की यूज की जाने वाली इंग्लिश में जो वर्ब्स हैं जिनको हम डिलैक्सिकल वर्ब्स के तरीके से यूज करते हैं, तो जैसे हैव है, गेट है, मेक है, डू है, टेक है, एटसेट्रा, तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम डिलैक्सिकल वर्ब्स कंसीडर करते हैं। तो मतलब डिलैक्सिकल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट तो यही है जो हमने अभी डिस्कस किया। अब मैं डिलैक्सिकल वर्ब्स के ना एक दो यूज आपको और बताता हूँ। देखो जैसे हमने लिखा, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, दे डिड नो वर्क, ठीक है, दे डिड नॉट वर्क, तीसरा, he worked hard so did they। अब देखो ये जो did है ये verb है, ये जो did है ये verb है, ठीक है, और ये जो did है ये helping verb है, यहां पे verb है verb। अब इन दोनों सेंटेंस को एक बार आप रिलेट करो, देखो दोनों के मीनिंग आपको सेम से लगेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा दे डिड नो वर्क, दे डिड नॉट वर्क, ठीक है, और हमने लिखा ही वर्कड हार्ड सो डिड दे। तो जब आप देखोगे ये डिड यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे वर्क वर्ब है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम सा है, दे डिड नो वर्क, दे डिड नॉट वर्क, एक ही बात है। जो मीनिंग है वो वर्क कन्वे कर रहा है, डिड नहीं कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो ये जो डिड है ना, ये जो हमने यहाँ पे वर्ब यूज किया, ठीक है, और ये जो वर्ब यूज किया ये लेक्सिकल वर्ब है, ठीक है, ये एक एक्शन है, वो जो डिड है वो डिलेक्सिकल वर्ब है। तो जो डू वर्ब होती है मेनली जब हम इसको इंग्लिश में यूज करते हैं तो ये डिलेक्सिकल वर्ब ही होती है, ये डिलेक्सिकल वर्ब है, ये लेक्सिकल वर्ब है, ठीक है, और ये तो है ही हेल्पिंग और ये तो वर्ब है ही नहीं, खेल इसको तो हटाई दो, ऑक्सिलरी है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है कि ये डिलेक्सिकल वर्ब्स होती हैं। फिर हमने लिखा ही वर्कड हार्ड सो डिड दे, ठीक है, ये भी अगर हम इसको वर्ब कंसीडर करें, क्योंकि ये वर्ब को ये रिप्रेजेंट कर रही है, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, अगर हम इसे वर्ब कंसीडर करें तो ये डिलेक्सिकल वर्ब है, ठीक है। अभी जो डू डिलेक्सिकल वर्ब होती है ना, इसका एक यूज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, सबको उसको क्लियर करना चाहिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, The only thing that he did there
was disturb everything. एकमात्र काम जो उसने वहां पे किया वो था सबको डिस्टर्ब कर देना, ठीक है. दूसरा, he did nothing but disturb everything. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये did verb है और ये did जो हमने लिखी है भी verb है, ये verb है, ठीक है. और तो और छोड़ो, ये यहां पर जो आपने was लिखा ये भी verb है, ठीक है, ये भी verb है. और ये जो disturb है और ये जो disturb है ये non finite verb है, ये finite verb नहीं. लेक्सिकल और रिलैक्सिकल वर्ब्स जो होती हैं वो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है. एक मिनट, दूसरे कलर से लिख, तो ये इससे लिख देते, तो जो हमने डिस्टर्ब लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब है. ठीक है, और ये जो डिस्टर्ब लिखा हमने ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है. तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमने डिस्टर्ब लिखा है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इसको हमें लेक्सिकल और रिलेक्सिकल में कैटेगराइज नहीं करना. अब जब इतनी बातें समझ में आ जाए तो ध्यान से देखो, ये जो डिड हमने लिखी ना ये डिलेक्सिकल वर्ब है, ठीक है. ये जो डिड हमने लिखा है ये डिलेक्सिकल वर्ब है, ठीक है. तो ऐसी वर्ब्स जिनका यूज हम सेंटेंस में करते हैं लेकिन एक्चुअली वो मीनिंग कन्वे नहीं करती, मीनिंग करता उनके बाद में लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब है, उनके बाद में लिखा गया नाउन, तो ऐसी वर्ब्स को हम डिलेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं. तो ये जो डिड है ये डिलेक्सिकल वर्ब है यहाँ पे भी. अब आपको ध्यान रखना है कि जब हम डिड को इस तरीके से एज ए डिलेक्सिकल वर्ब यूज करते हैं तो ध्यान से देखो हमने इसके साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लिखी है, क्योंकि डू की फॉर्म्स जो होती हैं इनको जब भी हम यूज करते हैं एज अ ऑक्सिलरी और एज अ डिलेक्सिकल वर्ब, तो इनके साथ वर्ब की बेस फॉर्म का यूज हमें करना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं, एक हमने एग्जांपल और लिखा, हमने लिखा कि टोल्ड मी द सीक्रेट, ठीक है, he told a lie to us. ठीक, तीसरा हमने लिखा they made a table, they made a study table. They made no response. ठीक है, अब आप इन दो सिचुएशंस को देखिए. He told me the secret. तो जो told है ये वर्ब है, ये भी told वर्ब है, ये made वर्ब है, ये made वर्ब है, ठीक है. अब ये जो टोल्ड है ये लेक्सिकल वर्ब है, ठीक है, ये जो टोल्ड है डिलेक्सिकल वर्ब है, ठीक है, ये जो मेड है ये लेक्सिकल वर्ब है, ये जो मेड है ये डिलेक्सिकल वर्ब है, तो हमें ध्यान ये रखना है
कई बार हम ऐसा हमें लगता है कि कोई वर्ब लेक्सिकल है डिलेक्सिकल है, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है जो हमें समझना पड़ता है। डिलेक्सिकल वर्ब्स में क्या होता है कि जो वर्ब होती है ना वो एक तरीके से एम्प्टी होती है, मीनिंग वाइज वो एम्प्टी होती है, मीनिंग वाइज उसमें कोई मीनिंग नहीं होता। उसके बाद में लिखा गया नाउन एक्चुअल में मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। तो जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें, ही टोल्ड मी द सीक्रेट जो लिखा है, ये तो वही लिखा हुआ जो लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो हमने लिखा है ना, ही टोल्ड अ लाई टू मी, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि he lied to me, ठीक है। They made no response, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, they did not respond, ठीक है। They did not respond, ठीक। ये देखो respond verb है, ठीक है। ये देखो lie verb है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मीनिंग है वो यहाँ पे ये नाउन कन्वे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये नाउन कन्वे कर रहा है और ये रिस्पॉन्स यहाँ पे नाउन है, लाई यहाँ पे नाउन है, लेकिन हमें पता है मीनिंग यही कन्वे कर रहा है, वर्ब उसके साथ कोई मीनिंग नहीं कन्वे कर रही, ठीक है। ही लाइड टू मी, ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स हमारे डिलेक्सिकल वर्ब्स होते हैं। तो इंग्लिश में काफ़ी ऐसी वर्ब्स होते हैं जिनको हमें लगता है कि ये लेक्सिकल वर्ब्स हैं, लेकिन वो एक्चुअल में लेक्सिकल नहीं होते हैं, मीनिंग वाइज वो एम्प्टी वर्ब्स होते हैं। तो इनको लेक्सिकल वर्ब्स को हम एम्प्टी वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक। तो ये हमारी लेक्सिकल और डिलेक्सिकल वर्ब थे, इनका हमने डिस्कशन कर लिया। तो दो पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो गए, बचे हुए जो दो पॉइंट्स हैं, वी गेव यू फोर पॉइंट्स दिस टाइम। एक हमारा पॉइंट था डेफिनेट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया, एक था डिलेक्सिकल वर्ब्स जो डिस्कस कर लिया, एक है डिपेंडेंट क्लॉजेस और एक है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। बाकी कोई छोटी मोटी बात हो तो मैं व्हाट्सएप पर आपके लिए अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सारे इलीट लर्नर्स के नंबर मेरे फ़ोन में सेव होते हैं, तो यू कैन कॉल मी, डोंट कॉल बट यू कैन सिंपली ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप, एंड इफ देयर बी सम नीड देन आई विल गिव यू सम टाइम टू कॉल मी एंड यू कैन कॉल मी ऑन दैट टाइम, ठीक है। टिल देन जस्ट एंजॉय लर्निंग इंग्लिश, थैंक यू।